ओले पड़ रहे ना, अगर बाहर निकले हम तो सारी फट जाएगा अचानक से, मतलब ओले पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा थक चुके हैं हम अभी फिलहाल। ये सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आराम से ये उड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना हुआ है ना, कैसे लटके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक और मस्त होंगे ना। तो आज ना हमने बजीर को शिफ्ट करना है नए वाले केज में, और बाकी सफाई भी करनी है इस वाले अंदर की, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आज सारा काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख लो तो फॉलो करना। तो दिखाते हैं आपको कौन सा केज हमने मजीद के लिए बनाया और कहाँ पे उनको शिफ्ट करने वाले हैं आज हम। तो आज हमने अपने जो बच्ची थे ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं नया केज बना के। देखो कितना मस्त केज बना है, ये वाला रास्ता हमने इनके लिए रखा है दाना डालने के लिए। फिलहाल अभी ये यहीं पे रहेंगे, अभी यहाँ की पूरी सफाई करनी है आज इंशाल्लाह, अच्छी तरह से सफाई करके फिर यहाँ पे हम इनको खुला भी छोड़ा करेंगे। अभी तो हमारे पास यहाँ से पूरा सामान उठाने के बिना और कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पे छोटे चूजे भी हैं अभी सबके लिए, इनके लिए भी इतना ही केज बनाना है अभी। तो फिर सबको हम यहीं पे रखेंगे, छोटे चूजे इनक्यूबेटर लाना है, यहाँ पे इनक्यूबेटर रखना है अभी, काफ़ी काम है। और ये देखो कहाँ पे लटका हुआ है, क्या बात है, पानी भी ला के रखते हैं इनको। तो बीच में से दिखाता हूँ मैं आपको खोल के इसको, अभी दरवाज़ा नहीं बनता है मेरे से, सारी बात है हर काम में कर लेता हूँ लेकिन दरवाज़ा बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है अभी भी। पूरा अब देखो ऊपर जाली है, साइड में भी जाली है, नीचे और पीछे वाली साइड पे हमने प्लाई बोर्ड वो लगाया। अभी आराम से ये उड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना हुआ है ना, कैसे लटके हुए हैं। आप बाहर नहीं निकल सकते आप यहाँ से, आपको खुला छोड़ा करेंगे यहाँ पे, पूरे अंदर में घुमा करना फिर आराम से यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। माशाल्लाह हैं तो बहुत प्यारे हैं। हमने यहाँ की सफाई करनी है पूरी, ये जगह साफ करके यहाँ पे इनक्यूबेटर लाना है, अभी काफ़ी काम है वो भी दिखाएंगे आपको। वीडियो को लाइक किया करो, अगर इंशाल्लाह वीडियो लाते रहते हैं हम हर दिन, तो वीडियो को इंजॉय किया करो, वीडियो को फुल वॉच किया करो। अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं, दरवाज़ा वगैरह अब हम खुला छोड़ सकते हैं आराम से, इनको भी हवा वगैरह लगेगी। फिर हम यहाँ की पूरी सेटिंग करेंगे अच्छी तरह से, फिर एक फ़ैन लगाना है इनके लिए, अभी तो बड़े काम है इंशाल्लाह। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो सभी हो जाएंगे। आज हमने यहाँ का सारा जो सामान था बाहर निकाल दिया है, बस ये थोड़ी सी लकड़ियाँ और ये वाला जो इनका खाने पीने का सामान है माल मवेशी का वो यहाँ पे, बाकी चूज़े वगैरह हैं बजीज अभी यहाँ पे। तो थोड़ा सामान बाहर निकालना है लेकिन हालत ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा थक चुके हैं हम अभी फिलहाल। ये सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा ना पहले, फिर जाके कुछ और करना पड़ेगा हमें। अभी देखो ये बल्ब ऐसे ऐसे लगाया हुआ है, आप नहीं सोचना कि हमने बल्ब लगाया। अभी यहाँ पे लाइट ठीक करनी है, फिर इनक्यूबेटर के लिए रखनी है, काम काफ़ी है लेकिन टाइम थोड़ा है अभी। तो मैं सोच रहा हूँ आज ही, लेकिन आज ये सारा काम थोड़ी होगा, बात ये भी है ना कि इंशाल्लाह कल ही करेंगे। ये छोटे वाले चूज़े भी आज आराम से घूम सकते हैं, कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ थी यहाँ पे। अभी बाहर से भी हमें सारा सामान उठाना है, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ की सफाई करके अच्छी तरह से, फिर अभी तो बजीज वगैरह वहीं पे रहेंगे, इनको बाहर नहीं निकाल सकते ना, जब देखते हैं जहाँ तक इनके जोड़े वगैरह बनते तब इनको बाहर निकालेंगे। लेकिन और सामान मतलब कहीं इंक्यूबेटर रखना, चूज़े जैसे बजीज वगैरह और कुछ भी लाते हैं अगर, तो फिर यहाँ पर जगह वगैरह खाली होनी चाहिए ना, तब ला भी सकते हम। अगर जगह खाली नहीं होगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा फिर। तो अभी मतलब ये चीज़ हमें काम आ गई, जो हमने शेल्फ वगैरह डाली हुई थी ना, तो ये हमें काम आएगी, क्योंकि केज वगैरह अगर हमने और भी बनाए ना तो यहाँ पे रख सकते हैं, इनक्यूबेटर रखेंगे। अगर कहीं मुर्गियों को अंडे वगैरह रखते हैं तो वो भी, उसके लिए भी अच्छी जगह है ये। मुर्गियों को हमने देखा ही कम है, क्योंकि पूरा दिन यहीं पर लगे हुए थे, आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी ना, अभी तो मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश का भी कोई लग रहा है कि बारिश बरसेगी। A few inches later, जो चीज़ हमें यहाँ पे लगेगी ना बजीज के लिए, चूजों के लिए, मुर्गियों के लिए, वो यहाँ पे हम रहने देंगे, बाकी हम हर चीज़ यहाँ से साइड करके या तो ऊपर वाले छत में रख देंगे, या जो चीज़ फेंकने के लिए होगी वो फेंक देंगे। जैसे डब्बे बोतलें वगैरह बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे, वो तो हमने बाहर फेंक देना है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें चाहिए, जैसे एक हथौड़ी चाहिए, कील वगैरह कुछ, तो क्योंकि हमें कई बार केज वगैरह बनाने पड़ते हैं ना, तो कुछ सामान हम यहीं पे रहने देंगे, कोई चीज़ टूट जाती है। अभी लाइट वगैरह का पूरा इंतज़ाम करना है यहाँ पे,
एक तो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट ये कच्चा मकान ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी और सर्दियों के लिए भी अच्छा होता है। तभी हमने बजट घर यहाँ पे शिफ्ट किए, नहीं तो हम मैं सोचा था ऊपर वाले छत पे, लेकिन वहाँ पे तो आपको पता इतनी गर्मी है ना वहाँ पे, क्योंकि टीन है ना ऊपर, अभी हमने बंद नहीं किया तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी तो ये एक ही दिन में मर जाते। यहाँ पे आराम है, इनको ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, देखो आराम से बैठे हुए हैं वो, देखो उधर अभी भी बाहर बारिश बरसने के कुछ मकान लग रहे हैं। तो पहले मुर्गियाँ हमें अंदर बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद देखेंगे यहाँ की सफाई करेंगे। यहाँ की तो सफाई मुकम्मल करनी है, नीचे वाली तो पूरी कर देंगे, बाकी लाइट वगैरह का कल करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। बारिश बरसने वाली है तो पहले हम इनको दाना डाल देते हैं, मुर्गियों को भी और कबूतरों को भी। तो क्या पता, बारिश का तो पता नहीं चलता ना, देखो मौसम कैसा हो गया, पूरे बादल जमा हो गया। अब इस साइड पे देखो कुछ नज़र नहीं आएगा, अभी चालू तो नहीं है लेकिन अभी बरसना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो सारे आ चुके हैं, नीचे डालते हैं इनको हम दाना वगैरह, जल्दी जल्दी खा लो जिस जिसने भी खाना है, जाना हो बाद में आपको। ओके तब किधर आ जाएंगे, तो सीजन्स को भी डालते हैं। अभी भी डाला था भैया ने शायद, अभी तो टाइम है ना, डाल ही देते हैं हम भी। खा लो, अभी कबूतरों के लिए थोड़ा सा बचा हुआ, उनको भी डालते हैं। देखो तो वेट चल रहा है, उनको भी पता बारिश बरसने वाली है। ये तो कितना सामान हमने ये वहाँ पे निकाला है, कुछ वहाँ पे है, देखो अभी ऊपर डाला है ऊपर वाली छत पे। चलो खा लो खा लो खा लो खा लो, जल्दी जल्दी खा लें, क्योंकि काम नहीं लग रहे कुछ, कुछ अंदर होंगे ना। अब करते हैं अंदर की सफाई चल के, थोड़ा सामान वहाँ वो भी उठा देते हैं, फिर झाड़ू वगैरह भी करना पड़ेगा हमें खुद ही। फिलहाल बारिश बरसना स्टार्ट हो चुकी है, पहले हम इनको बंद करेंगे। तीन चार बंदे लगते हैं यहाँ से बाहर निकालने के लिए। मैं और अनाया भी आ चुके हैं, वही बंद करने के लिए आ चुके हैं। चलो मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना, वहाँ से अंडे भी उठाने पड़ेंगे अगर कोई हुआ तो। पहले उठा लिए, अभी और भी देखते हैं। चलो चलो चलो, गरजना और चमकना स्टार्ट हो चुका था इसलिए सब। चलो माशाल्लाह क्या साफ हो चुके हैं अब ये बड़े, इसको देखो हर दिन की तरह ऊपर। चल नीचे चलो चलो, बाकी सब चले गए, तू अकेली इधर क्या कर रही है? कभी इसको यहीं पे रहने दे, रात को सुबह इसके हड्डियाँ मिल जाएंगी हमें। उतारते हैं किसी चीज़ से, कोई स्टिक वगैरह मिल जाए भाई, हाथ को लग उल्टे ही काम। चलो चल, माशाल्लाह दो अंडे और मिल चुके हैं, बाज नहीं आते ना, सारे नीचे आ गए, दाने वाले के पास से गुजर गए। चलो बारिश आ गई, पहले भी हमने इन पे एक बार बारिश पड़ी पहले भी इन पे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 10 दिन अंडे दिए, इसलिए हम सोच रहे कि बारिश ना पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन इनको क्या पता न लाइकों को। इनकी तरह इनको दोबारा यहाँ पे हमें दाना डालना पड़ता है ना, जब भी हम बंद करते हैं इनको डालना पड़ता है, क्योंकि ये आराम आराम से खाते हैं, फिर मुर्गियाँ इनको खाने नहीं देती, वो एक मिनट में चट कर जाती। भाई साहब ये क्या, ये तो वासिफ भाई ने देखो, मतलब वासिफ भाई के भी निराले ही काम है। भैया कुंडी एक को भी नहीं लगाई, और इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे ना, अगर बाहर निकले हम तो सारी फट जाएगा, अचानक से मतलब ओले पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। हम सोचे बारिश बरसेगी, लेकिन बारिश की जगह ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। और देखो भाई साहब इस साइड पे दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे नज़र एक बात है कि आप ये प्लम वगैरह गिर जाएंगे, क्योंकि इतने मोटे मोटे ओले यहाँ पे पड़ना। दारियाल वजह कब ये बर्फ थोड़ी सी रुके और मैं खाना स्टार्ट हो जाऊँ। अभी ना भागते भागते मैं ऊपर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ से उस साइड पे बहुत ज़्यादा अभी ओले पड़ रहे हैं। मंडी वाली साइड भी कोई मैंने स्नैप देखी थी, बहुत ज़्यादा थे अभी यहाँ पे। अभी देखो अब कितने मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं,
खुदा ही रहम करे। उस साइड पे देखो, सासरा वाली साइड पे, शोर मत कर। ओ भाई नीचे देखो कितने तेज ओले पड़ रहे हैं। अब अगर इसमें किसी इंसान को लग गए नहीं है, छत पे दिखाता हूँ मैं उस साइड पे आपको चल के। वहां पे देखो जहां पे हमने वो वाला कागज डाला ना, उसके ऊपर कितने जमा हो गए। अब देखो पत्ते भी टूटना स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाले देखो, और सूरज थोड़ा सा नजर आ रहा है यहाँ पे। देखो आप बारिश में अभी उतरने वाला है, लेकिन अभी इतने पड़े हैं कि देखो जमा हो गए यहाँ पे। नीचे देखो हमारे सेटअप में कितने ज़्यादा ओले जमा होंगे। मतलब एक मिनट में हमने जब मुर्गियाँ बंद करके बाहर निकले ना, तो इतनी ज़्यादा ही ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। देखो कितने ज़्यादा पत्ते गिरे हैं, और यहाँ से प्लम्प वगैरह भी गिर चुके हैं हमारे। आज ना यहाँ पे ये दाना नहीं खा रहे, नहीं अभी नहीं खाया इन्होंने कुछ भी, वहीं पर पड़ा। देखो जो मैंने डाली थी ना कंगनी, इनको वहीं पर है। या तो इनको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगा है। क्या हुआ? ये काफी बड़ा है ना, आराम से रहेंगे यार, कोई नहीं, खुद ही रहना यहाँ पे सीख जाएंगे। और छोटे वाले चूहे देखो कहाँ पे बंद किए, आराम से बैठे हुए हैं वो भी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, और बेल आइकन ऑल पे सेट करना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।